जिले के नावानगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में गोलीबारी की एक घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गए हैं। घायल को बेहतर इलाज के लिए आरआर रेफर कर दिया गया है। दरअसल जिले में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। लूट, हत्या, डकैती, गैंगरेप की घटना तेजी से बढ़ रही है। केवल जनवरी माह में ही जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप, हत्या, लूट एवं चोरी की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। लोगों को एक बार फिर 1990 का दौर याद आने लगा है, जब शाम ढलते ही लोग घरों और पुलिस थाने की चार दीवारी में कैद हो जाते थे। ताज़ा मामला जिले के नावानगर थाना क्षेत्र के वैना गांव का है, जहां आपसी विवाद में चचेरे भाई ने ही भाई को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घायल शशिकांत गोस्वामी ने बताया कि उनके चचेरे भाई सेना के रिटायर्ड जवान राजेश गोस्वामी ने उन पर गोलियां चलाई, जिनमें एक गोली उनको लग गई है। सर, हमारा से परीक्षा दिलवा के सोनवर्षा पहुँचे सर, और वहाँ से घर गए। घर गए तो मैं घर में गया सर, और घर में जाने के बाद बैठ के पानी पिया। इसके बाद ये अपना रिवॉल्वर लेके और तीन चार फायर किया सर। कौन? ये राजेश कुमार गोस्वामी सर। पहले कोई विवाद था? हाँ सर, विवाद तो था, हल्का ऐसे ही जैसे कैसे तू तू मैं हो जाता है। हाँ। उस टाइप का विवाद था सर। किससे विवाद चल रहा था? हमारे अनिल कुमार गोस्वामी है सर। कौन ऐसे ही? क्या लगता है वो? हमारे वो चचेरा भाई है सर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो अपने जाके चार फायरिंग किया हमारे दरवाजे पर सर। चार फायरिंग किया तो मैं बाहर निकला। बोला भाई यार ये क्या बात है, दोनों आदमी भाई ही हैं, ये क्या सब चल रहा है। वो बोल रहा है कि तू क्यों आया। डायरेक्ट पांचवा फायर किया सर, तो हम बगल हो गए, हल्का धक्का दिए। छठवा फायर मेरे ऊपर। क्या नाम है आपका? शशिकांत गोस्वामी सर। थानाध्यक्ष राजीव कुमार राय ने बताया है कि आरोपी की भी पिटाई की गई है, उसका भी इलाज किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम है।